अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट योर 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम फॉर योर यूट्यूब चैनल्स। तो द फर्स्ट टिप इज मेक एवरग्रीन कंटेंट। ऐसे कंटेंट आपने बनाए हैं जो सर्चेबल हो आज के लिए या कल के लिए या परसों के लिए, मतलब इसका जो सर्चेबल हो एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए। इस तरह कंटेंट हमने बनाए हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा वॉच टाइम हासिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो स्टेप्स हैं, आपने हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करना है, कंसिस्टेंटली आपने वीडियो को अपलोड करना है, उसमें दरमियान में आपने ब्रेकअप नहीं करना है। इससे आपके चैनल्स की ग्रोथ बढ़ेगी और आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी इससे। तीसरा जो स्टेप्स है वो क्वांटिटी है, आपने ज़्यादा मकदार में वीडियो अपलोड करना है जो आपको हेल्प करेगी टू गेट योर 4000 वॉच टाइम्स। मतलब इसका ये है कि आपने अगर चैनल बनाए हैं तो कंसिस्टेंट आपने वीडियो अपलोड करने हैं अप टू 1000, 2000, 3000 एंड 4000। इससे आपको बहुत आसानी से वॉच टाइम मिलेगा। तीसरा जो स्टेप्स है आपके साथ शेयर करते हैं, इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों। तीसरा स्टेप जो होता है वॉच टाइम गेन करने का, वो लाइव स्ट्रीमिंग होता है। आपने हम वीक में या अगर पॉसिबल हो तो दिन एक मरतबा आपने क्या करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। इससे आप 10-50 सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं जो आपकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा वॉच टाइम हासिल करने में। अच्छा, फोर नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो ये है कि आपने क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी, यानी आपने कंटेंट ऐसी क्वालिटी में बनाए हैं जो आपकी ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट ले सके। यानी वीडियो आप देख सकते हैं इसमें आपकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने कंटेंट भी अच्छे बनाए हैं जो आपको चैनल जो होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो आपने क्वालिटी पर भी फोकस करना है चैनल के या वॉच टाइम गेन करने के लिए। फिफ्थ नंबर जो टिप्स हैं वो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि वीडियोस के जो मेन चीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस होती है, व्यूअर्स होते हैं, उसके मुताबिक आपने काम करना है। यानी जो चीज़ आप आपकी ऑडियंस चाहते हैं वही प्रोवाइड करना है अपने चैनल पे। दूसरी कैटेगरी की वीडियो आपने अपलोड नहीं करना है, इससे आपके वीडियोस या वॉच टाइम में बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा।